हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर है एक नए वीडियो के साथ आप सबके सामने। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों हिंदी के लिए ये 18 प्रश्न पार्ट 3, जो कि बेहद ज़रूरी हैं UPPCS मेंस हिंदी पेपर के दृष्टिकोण से। तो आइए दोस्तों एक बार इन सबको देख लेते हैं, कौन कौन से हैं ये इम्पोर्टेंट प्रश्न, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 6 विलोम शब्द आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला है आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर का विलोम होगा परजीवी, या दूसरा होगा अनुजीवी। दूसरा है आपत्ति, आपत्ति का विलोम संपत्ति। काफ़ी गौर करने वाली चीज़ें हैं दोस्तों, आपत्ति का संपत्ति। करुण का निष्ठुर, कृपण का दाता, मूढ़ का ज्ञानी, श्रेष्ठ का अधम, श्रेष्ठ का अधम। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कैसे किया जाता है। पहला है मैं केवल इतना ही चाहता हूँ, ये अशुद्ध है, इसको शुद्ध कैसे करेंगे। मैं केवल इतना चाहता हूँ ही, ये अतिरिक्त शब्द इसको हटा देंगे। दूसरा है मैं घर जाऊँगा ऐसा उसने कहा, ये अशुद्ध है, इसका सही होगा उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। थोड़ा अरेंजमेंट, शब्दों का अरेंजमेंट किया इसमें। अगला हल्का सा हवा का झोंका आया, बिल्कुल देखने पे लग रहा है शुद्ध अशुद्ध है, बट या अशुद्ध है, इसका सही होगा हल्का सा, सॉरी हवा का हल्का सा झोंका आया, हल्का सा हवा का झोंका, ये गलत है। अगला अशुद्ध वाक्य है वह दंड देने लायक है, इसका शुद्ध होगा वह दंड पाने लायक है, दंड पाया जाता है। मेरी मनोकामना पूरी हुई, या शुद्ध वाक्य, इसका शुद्ध होगा मेरी मनः कामना, मनोकामना नहीं मनः कामना। अगला है वह डर के मारे दौड़ गया, या शुद्ध है, शुद्ध है वह डर के मारे भाग गया, जब आदमी डरता है तो भाग जाता है, दौड़ता नहीं। अगला दोस्तों मुहावरे 5 हैं, 6 हैं सॉरी, देख लेते हैं। चांद पर थूकना, तो इसका अर्थ है किसी अच्छे आदमी पर कलंक लगाना, जैसे गोडसे ने महात्मा गांधी को गालियाँ दी, यह तो चांद पर थूकना हो गया। दूसरा टका सा जवाब देना, है साफ इनकार कर देना, तो मैंने उधार मांगा तो उसने टका सा जवाब दे दिया। तीसरा ठन ठन गोपाल, अर्थ है इसका खोखला, कुछ ना होना, खाली होना, सब ऊपरी दिखावा है भीतर से ठन ठन गोपाल है। अगला चौथा 3-13 करना, यानी तितर बितर करना, नालायक लड़कों ने बाप की सारी संपत्ति 3-13 कर दी। अगला सुबह शाम कटना, यानी टाल मटोल करना, मालिक मकान आते हैं, मकान मालिक आते हैं तो सुबह शाम, मालिक मकान आते हैं तो सुबह शाम करते हैं किराया नहीं देते। छठा मीठी छुरी चलाना, यानी विश्वासघात करना, इसका वाक्य प्रयोग होगा इसकी बातों में ना आना, मीठी छुरी चलाकर ठग लेता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।